हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम पार्ट बी वोकेशनल स्किल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ट बाय फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग से आप क्या समझते हैं? या दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग का क्या सिग्निफिकेंस होता है? दोनों क्वेश्चंस का सेम आंसर रहेगा और आंसर है द जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। जो जनरल अरेंजमेंट होती है टेक्स्ट की वो कहलाता है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट्स अ नीट एंड लेजिबल आउटलुक। फॉर्मेटिंग की वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स को एक अच्छा साफ सुथरा सा लुक मिलता है। इट मेक्स अ डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेबल एंड रीडेबल। डॉक्यूमेंट्स को कैसा बनाता है ये? प्रेजेंट करने लायक और रीड पढ़ने लायक बनाता है। फॉर्मेटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ डॉक्यूमेंट्स ओवरऑल लुक एंड प्रेजेंटेशन। फॉर्मेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी डॉक्यूमेंट की ओवरऑल लुक और उसको अच्छा खासा प्रेजेंट करने में, उसकी प्रेजेंटेशन में। तो ये होता है फॉर्मेटिंग। या सिंपल भाषा में भाई, कोई भी टेक्स्ट है उसको आप जितना अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पे हाईलाइट कर दिया आपने, कहीं पे मार्जिन सेट कर दिए, इंडेंटेशन लगा दिया, किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, जहाँ स्पेस चाहिए वहाँ स्पेस दिया, तो ये सारे जो चीज़ें हम करते हैं अपने टेक्स्ट को अच्छा बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो अच्छे से हम प्रेजेंट भी कर सकें और अच्छे से उसको पढ़ भी सकें, ठीक है? तो ये कहलाता है फॉर्मेटिंग। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। मोस्ट कॉमन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस क्या क्या हैं? सबसे पहला है टेक्स्ट स्टाइल। भाई कोई भी कैरेक्टर है उसके लिए फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं? सबसे पहला है टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल के अंदर आता है बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, यानी कि जो भी कैरेक्टर आपने टाइप किया है आप उस पर अपनी डिज़ायरेबल टेक्स्ट स्टाइल लगा सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक्स कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। फिर है फॉन्ट नेम या नेम्स, यानी कि कई सारे फॉन्ट नेम्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, डिज़ायरेबल फॉन्ट नेम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपका कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। फिर उस कैरेक्टर को आप उस कैरेक्टर पे सबस्क्रिप्ट लगाते हो या सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट लगाओगे तो वो नीचे चला जाएगा जो नॉर्मल लाइन है उससे। जैसे मान लो H2O लिखना मेरे को, तो 2 को सेलेक्ट करके मैं सबस्क्रिप्ट लगा दूंगा तो 2 नीचे आ जाएगा। और सुपरस्क्रिप्ट का मतलब है ऊपर की ओर, ठीक है? जैसे कोई मैथमेटिकल फार्मूला है a² + b², तो जो स्क्वायर है a² लिख के मैं 2 को सेलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट लगा दूंगा तो 2 ऊपर चला जाएगा a². फिर है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर मतलब यहाँ तक कि आप अपने फॉन्ट का कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो आपने फॉन्ट नेम सेलेक्ट किया है उसका कलर भी लगा सकते हो। तो ये कुछ एक कॉमन कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, टेक्सटाइल्स, फॉन्ट नेम, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। अब जो हमने पढ़े हैं वो तो थे कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, अब पूरे पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। पैराग्राफ का अलाइनमेंट, यानी कि उसको लेफ्ट अलाइन करना है अपने पैराग्राफ को, राइट में, सेंटर में, या जस्टिफाइड अलाइनमेंट, वो आप पे डिपेंड करता है। तो पैराग्राफ अलाइनमेंट हमें देखने को मिलता है पैराग्राफ पे। और क्या फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं? बिफोर, आफ्टर, फर्स्ट लाइन स्पेसिंग, यानी कि हम अपने हिसाब से उसके अंदर स्पेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। टेक्स्ट इंडेंटेशन, टेक्स्ट में हम इंडेंट भी लगा देते हैं, ठीक है? इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है? इंडेंटेशन का मतलब है जो आपका डिस्टेंस होता है मार्जिन और टेक्स्ट के बीच का, ठीक है? उसको बोलते हैं टेक्स्ट इंडेंटेशन। तो डिज़ायरेबल टेक्स्ट इंडेंटेशन आप लगा सकते हैं। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग यानी कि लाइंस के बीच में, पैराग्राफ की जो लाइंस होंगी, सेंटेंसेज होंगे, उनके बीच का कितना स्पेस होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एक कॉमन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, जो कि हैं पैराग्राफ अलाइनमेंट, बिफोर, आफ्टर, या फर्स्ट लाइन स्पेसिंग, या सिंपली बोल सकते हैं लाइन स्पेसिंग, और टेक्स्ट इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ जनरल ऑप्शंस इन राइटर। जो राइटर सॉफ्टवेयर है उसमें एक जनरल ऑप्शंस हमें देखने को मिलता है, उस जनरल ऑप्शंस का क्या यूज़ होता है? तो उसका यूज़ होता है एक तो लिंक्स और फील्ड्स को अपडेट करने के लिए। द यूनिट्स फॉर रूलर्स एंड अदर मेजरमेंट्स कैन बी सेट बाय यूजिंग जनरल ऑप्शन। फिर है डिफ़ॉल्ट टैब पोजीशन। जब भी आप टैब दबाते हो तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके कर्सर रुकता है, जंप करता है,
ठीक है, तो उसको भी आप सेट कर सकते हो कि एक बार टैब पे क्लिक करने पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जनरल ऑप्शंस में हमें देखने को मिलता है, यानी कि अपडेटिंग ऑफ लिंक्स एंड फील्ड्स, यूनिट सेट कर सकते हैं मेजरमेंट्स के लिए, भाई किस यूनिट में आप मापना चाहते हो, मीटर, सेंटीमीटर, इंच, है ना, तो अलग अलग जैसे ये यूनिट्स होती हैं तो यूनिट्स आप सेट कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए, लिंक्स फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं, और टैब की पोजीशन को सेट कर सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट टैब पोजीशन क्या होगी। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स एंड हाउ डू यू सी देम इन राइटर। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं और आप उनको कैसे देख सकते हैं राइटर में। ऐसे कैरेक्टर्स जो पेपर पे नहीं आते जब हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो उनको बोलते हैं नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, जैसे कि स्पेस बार, एंटर की, टैब की, ये सारी चीज़ें विजिबल नहीं होती हैं जब आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। तो अब इनको देख कैसे सकते हैं, इनको देखने के लिए स्टैंडर्ड टूल बार पे एक शो और हाइड बटन होता है जो पाई की शेप जैसा होता है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे एक बार, क्लिक ये भी टॉगल की है, ठीक है, एक बार क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा, यानी कि आपके जितने नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं वो विजिबल हो जाएंगे डॉक्यूमेंट में, फिर से क्लिक करेंगे हाइड हो जाएंगे। इस चीज़ के लिए शॉर्टकट भी है राइटर में, वो क्या है, कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F10 दबा के भी आप नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एक्चुअल यूज़ ऑफ मेल मर्ज फीचर अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर्स के अंदर जो मेल मर्ज है उसका क्या यूज़ होता है। अब देखिए, इन आवर डेली लाइफ मैनी एप्लीकेशंस रिक्वायर डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स और मेल्स कंटेनिंग सिमिलर टेक्स्ट एंड ए कॉमन लेआउट टू बी सेंड टू ए नंबर ऑफ पर्सन्स। तो डेली लाइफ में कई सारी एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है सेम डॉक्यूमेंट्स को, लेटर्स को या मेल्स को कई सारे पर्सन्स के पास भेजने की। किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स या मेल्स होते हैं, जिनके अंदर सिमिलर टेक्स्ट होता है और एक कॉमन लेआउट होता है। हम चाहते हैं कि ये भाई बहुत सारे पर्सन्स के पास भेजे जाए। अब सेम डॉक्यूमेंट को बहुत सारे पर्सन्स के पास भेजना है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा चेंज करके, जैसे कि उनका नेम हो गया, एड्रेस हो गया, तो यहाँ पे मेल मर्ज फीचर काम आएगा। तो मेल मर्ज फीचर क्या करेगा, मर्जिज डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग सिमिलर इन्फॉर्मेशन, उन डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर देगा जिनके अंदर सिमिलर इन्फॉर्मेशन है, और किस चीज़ के साथ, विद सम डिफरेंसेस, उनके अंदर जो थोड़े बहुत डिफरेंस करने हैं, नेम एड्रेस वगैरह चेंज करने हैं, इन दोनों चीज़ों को मर्ज कर देगा इन अ वेरी क्विक एंड ईजी वे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाई टर्म वर्ड रैपिंग। वर्ड रैपिंग से आप क्या समझते हैं। प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट गोइंग पास्ट द राइट मार्जिन टू द नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड वर्ड रैप। ये ज़्यादातर ऑटोमेटिकली ही होता है कि जब आप लिखते जाते हो तो क्या होता है, जो आपने मार्जिन सेट किया हुआ है, स्पेशली राइट मार्जिन, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आप लिख रहे हैं, तो राइट मार्जिन से भी आगे जब वर्ड आपका जो टेक्स्ट है वो चला जाता है तो वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट लाइन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं वर्ड रैप। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स विच इज़ देयर इन नियरली ऑल वर्ड प्रोसेसर्स एंड इज़ बाई डिफ़ॉल्ट ऑन। ये वो फीचर है जो लगभग हर एक वर्ड प्रोसेसर में होता है और बाई डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, तो इसीलिए हमें बार बार एंटर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती। हमें एंटर तभी प्रेस करना होता है जब हम एक नए पैराग्राफ की शुरुआत करते हैं या पैराग्राफ को एंड करना हो तभी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि आप जो है टेक्स्ट को लिखते जाएं, जैसे ही लाइन ख़त्म होगी ऑटोमेटिकली वर्ड रैप फीचर की सहायता से टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है। डिफाइन इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंडेंट, यानी कि इनर डिस्टेंस, इंडेंट मतलब इनर डिस्टेंस फ्रॉम मार्जिन इनसाइड टेक्स्ट एरिया इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ये जो प्रोसेस है जिससे हम इंडेंट को प्रोवाइड करते हैं, कहाँ से, मार्जिन और टेक्स्ट एरिया के बीच का जो डिस्टेंस है वो उस को प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है ये कहलाता है इंडेंटेशन, ठीक है। या इसी का सेकंड आंसर क्या हो सकता है कि जो डिस्टेंस होता है पेज मार्जिन और टेक्स्ट बाउंड्रीज़ के बीच का वो होता है इंडेंट, और इसको इस प्रोवाइड करने का प्रोसेस कहलाता है इंडेंटेशन, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द पेज मार्जिन एंड द टेक्स्ट बाउंड्रीज इज कॉल्ड इंडेंट एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इट इज़ कॉल्ड इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टेबल टर्मिनोलॉजी। भाई टेबल से जुड़े हुए जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको बताओ। टेबल्स आर मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। टेबल्स किस चीज़ से बनी है, रोज और कॉलम से। रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल और कॉलम्स होती हैं वर्टिकल।
फिर विद लाइंस और बॉर्डर्स अराउंड ईच कॉलम एंड रो, और अरे हर एक कॉलम और रो के अराउंड क्या होती हैं, लाइंस होती हैं या बोल सकते हो बॉर्डर्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है टेबल से जुड़ा हुआ वो है सेल। सेल किसको बोलेंगे, जो सिंगल बॉक्स जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोलते हैं सेल। ठीक है, रोज और कॉलम्स का इंटरसेक्शन कंप्लीट वो क्या बन जाता है, टेबल। और टेबल की जो सबसे छोटी यूनिट है यानी कि एक जो वो सिंगल बॉक्स बनता है जहाँ पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेल। तो एक टेबल के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मेल मर्ज प्रोसेस, मेल मर्ज प्रोसेस के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हमें पता है भाई मेल मर्ज फीचर का एक्चुअली यूज़ क्या होता है, जब एक कुछ एक कॉमन कुछ हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमें बहुत सारे पर्सन के पास भेजना है, सिर्फ उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ बिल्कुल हमने पर्सनलाइज्ड लेटर जो है उसके पास भेजा है या पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट हमने उसको भेजा है, तो तब वहाँ पे यूज़ होता है मेल मर्ज फीचर। अब इसमें क्या है, तीन मेन कंपोनेंट रहते हैं मेल मर्ज प्रोसेस में। सबसे पहला होता है मेन डॉक्यूमेंट, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर टेक्स्ट और ग्राफिक्स होते हैं जो सेम रहते हैं हर एक पर्सन के लिए। ठीक है, या जो मर्ज डॉक्यूमेंट बनाए जाएंगे हर एक मर्ज डॉक्यूमेंट के अंदर मेन डॉक्यूमेंट बिल्कुल सेम रहता है, यानी कि मेन डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट ग्राफिक्स सेम रहता है। ठीक है, तो ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो हर एक के पास एज इट इज़ भेजा जाता है। नेक्स्ट है फिर डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है, ये वो फाइल है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है टू बी मर्ज्ड इन अ डॉक्यूमेंट। सो दिस इज़ द फाइल दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू बी मर्ज्ड इन अ डॉक्यूमेंट। जो मेन डॉक्यूमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन मर्ज करनी होती है हमें, वो सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर होती है जिसको हम बोलते हैं डेटा सोर्स। यानी जैसे कि द लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस दैट यू वांट टू यूज़ इन अ मेल मर्ज, कि जो नाम और एड्रेसेस की पूरी लिस्ट जो आप मेल मर्ज में यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के एक तो हो गया मेन डॉक्यूमेंट जो सबके पास बिल्कुल सेम जाएगा, फिर एक हो गया डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में क्या है, पूरी लिस्ट उसमें आपके नाम भी होंगे एड्रेस भी होंगे भाई किस किस के पास वो भेजना है, सिर्फ नाम और एड्रेस वहाँ से उठाएगा मेन डॉक्यूमेंट पे लगाएगा और भेज देगा। ठीक है, फिर दोनों को जब मर्ज करेगा तो वो कहलाता है मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। सो दिस इज़ द रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट। रिजल्टिंग डॉक्यूमेंट है दैट यू रिसीव, जो आप रिसीव करते हैं जब आप मर्ज करते हो मेन डॉक्यूमेंट को डेटा सोर्स के साथ, तो ये होता है मर्ज्ड डॉक्यूमेंट। तो तीन जो है मेन कंपोनेंट रहते हैं मेल मर्ज प्रोसेस के। ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट, डेटा सोर्स एंड मर्ज डॉक्यूमेंट। तो ये थे कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे। कीप वॉचिंग, थैंक यू।